और इस साल केंद्र और राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है और इसी क्रम में झुंझुनू में 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुए। सबसे पहले गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए गए, वहीं इसके बाद प्रार्थना सभा हुई जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और भजन गाए। इसके बाद गांधी पार्क से लेकर जेके मोदी स्कूल तक गांधी संदेश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को सांसद नरेंद्र कुमार, आयोजन समिति के सह संयोजक मुरारी सैनी और एडीएम राजेंद्र अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा शहीद वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर को है, उसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत से कार्यक्रम रखे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उसको बापू के नाम से भी कहते थे, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है हमारे मारवाड़ी में। राष्ट्रपिता और बापू एक ऐसा शब्द है जो उसी के लगता है जो वास्तव में छोटों के लिए बहुत अच्छा कुछ काम करता है। और आज हमने जो सपने संजोग रहे हैं या जो आनंद ले रहे हैं भारत में, वो सब गांधी जी के सपने ही थे। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस अभियान को 150वीं जयंती पर चला रहे हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।